है तो 17 नंबर का पाना दियो। चलिए तो कार ठीक कर दी मैंने। और ये बता अभिषेक कहाँ है? अभिषेक तो पीछे गया है। पीछे गया है? गैराज में इतना सारा काम फैला पड़ा है और वो पीछे गया। जब बुला के ला उसे। जाता हूँ। अरे यार मैं नहीं आ सकता, बॉस मुझे छुट्टी नहीं दे रहा, कैसे आ जाऊँ? ऊपर से गैराज में इतना काम है, छुप छुपाता फिर रहा हूँ लोगों से मैं। नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, आज नहीं आ सकता मैं। वो यहाँ पे लड़ा रहा है, वहाँ गैराज पे कितना काम पड़ा है। अरे यार वो इमरजेंसी कॉल थी तो अटेंड करना पड़ा। अटेंड करना पड़ा, चल तुझे अजय बुला रहा है। आ गया तू? अबे कहाँ था भाई इतनी देर से? वो मैं बस थोड़ा सा काम था। अबे गैराज में इतना काम पड़ा यार, कार खड़ी है यार, रिपेयर करना है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ मैं करता हूँ, मैं बस। अरोड़ा जी की कार आई है, जाके ठीक कर, उसका देख लियो क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, जाकर अपनी कार ठीक कर। तू जाकर 14 नंबर का पाना लेके आ। ओ शिट, इसे भी यही खराब होना था। दिख भी नहीं रहा यहाँ पे। टेंशन में लग रहे हो, क्या बात हो गई? एक्चुअली ना मेरी कार खराब हो गई, मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। इतनी सी बात? आपकी कार मैं सही कर दूंगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। कितने पैसे हुए? मैम पैसे की कोई बात नहीं है, छोटा सा फॉल्ट था बस। और मेरी जगह अगर आपका कोई फ्रेंड होता तो वो भी तो आपका हेल्प करता, तो ऐसा मेरे को आप फ्रेंड समझो ना, पैसे की कोई बात नहीं है। आप नहीं होते तो मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो जाती। थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की। ओके बाय, फिर मिलते हैं। ओके बाय। क्या हो गया? इस लड़की से पैसे क्यों नहीं लिए? अरे यार क्या पैसा पैसा पैसा, अबे कभी कभी लोगों की हेल्प करनी चाहिए। बस तुझे पता ही है गैराज हमारे बाप का नहीं है, मालिक को पता चलेगा हमारे पैसे काट लेगा। अरे यार देख, मुझे पता है उसने पैसा तो नहीं दिया। अरे देखा तूने, वो लाखों की स्माइल देगा भाई, तेरी लाखों की स्माइल से ना हमारा घर नहीं चलेगा। जाके कार ठीक कर।
कर रहा है, पता नहीं कल तक तो ठीक थी, आज पता नहीं क्या हो गया। कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ। एक्चुअली मैं कल जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं आपका नाम पूछना ही भूल गई। जी मेरा नाम तो अभिषेक है। पीछे ही पड़ गई, टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ इसे। और आपका? बगैर पैसों को खाना दे दिया ना तो पैसे सैलरी में से कट जाएंगे तेरे। ये क्या कह रहा था? अरे वो जी है ना, आप इसकी बात का ध्यान मत देना। आप ये बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम निहारिका है। निहारिका, लो जी आपका ब्रेक भी सही हो गया। ओके, वैसे न्यू ईयर आ रहा है, क्या प्लान है आपका वैसे? जी न्यू ईयर का तो प्लान है मेरा, वो चावला जी की कार आई है और गुप्ता जी का स्कूटर है, बस न्यू ईयर को मेरे को ये डिलीवर कर देना है। क्या प्लान है आपका? जी आप हंस क्यों रहे हो? अरे मैं तो न्यू ईयर की पार्टी के बारे में बात कर रही थी। पार्टी नहीं, पार्टी का तो कोई प्लान नहीं है मेरे पास। एक काम करना, कल 5 बजे यहीं पर मुझे रेडी होकर मिलना, हम पार्टी में चलेंगे, ठीक है? पार्टी में? हाँ सही है, चलेंगे पार्टी में। आज भी पैसे नहीं लिए ना तूने? ए यार पैसे तो। ओ अभिषेक, देख बुला रही है ना, मैं तो पैसे देना ही भूल गई। चलो पैसे, चलो बाय बाय। देखा कितना पैसे दे दिए, भगा दे। जी आइए। थैंक यू सर। सर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी कहिए। वो सर मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए आपसे। क्यों, कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी? गैराज में बहुत काम है मेरे पास। अरे सर जी मैं घूमने के लिए छुट्टी नहीं मांग रहा हूँ, वो मेरे पेट में पथरी हो गई है और डॉक्टर से मुझे मिलना है, इसलिए मैं छुट्टी मांग रहा हूँ आपसे। अच्छा अच्छा ठीक है अभिषेक, तुम चलियो दूसरों को देख लेंगे। ओहो सर जी थैंक यू सो मच, आने मेरे को छुट्टी, बस एक दिन से ज्यादा छुट्टी लूंगा तो मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके एक दिन।
क्या करते हैं आप? सर मैं गैराज में मैकेनिक का काम करता हूँ। आप अपना गैराज या गैराज चलाते हैं? नो सर मैं वहाँ पर काम करता हूँ। एक्चुअली ना मेरी ना कार खराब हो गई थी तो इन्होंने ना मेरी हेल्प की थी, तो तब से ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलो लेट्स एंजॉय, एंजॉय करो, पियो ड्रिंक, पियो एंजॉय करो पार्टी। आपको कभी अपनी फैमिली की कमी महसूस नहीं होती? फैमिली फैमिली होगी तो उसकी कमी महसूस होगी ना, जब कोई फैमिली नहीं है तो उसकी कमी क्यों महसूस होगी। बट कोई है जिसकी कमी मुझे बहुत महसूस होती है। अच्छा कौन है वो? निहारिका तुम्हें पता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे नहीं पता ये सही टाइम है कहने का या नहीं, पर मुझे लगता है अगर मैं आज नहीं बोल पाया ना तो कभी नहीं बोल पाऊँगा। निहारिका शांत हो। I love you यार। Do you love me? Yes, I love you. Such? Yes. Oh yes! वो आपको गैराज आ गया? हाँ गैराज तो आ गया मेरा। ठीक है तो कल मिलते हैं। चलिए कार तो हमने ठीक कर दिया। अरे अजय अशिया। हाँ जी सर। अरोड़ा जी की कार ठीक हुई नहीं हुई? जी सर 3 दिन हो गए। तो सर जी थोड़ी सी इसके इंजन ऑयल में प्रॉब्लम है, बस वो होते ही कार ठीक हो जाएगी। कब तक हो जाएगी ठीक? सर थोड़ा सा काम बचा है बस। अरे तुम काम करते ही नहीं, 3 दिन से एक ही गाड़ी का लड़े पड़े हो, तुमसे काम ढंग से होता है नहीं होता? राजी राजू जी क्या हाल है? अरे बढ़िया है रोड़ा जी, आप सुनिए आप ही की गाड़ी का काम हो रहा है। सर बस आ जाओ रोड दे दो, कल आपको रेडी मिल जाएगी। इन्होंने काम नहीं करना था शिवा, आज कंप्लीट करके इनको दे देना है, शाम को घर पे छोड़ के आने उनके। ठीक है कोई वो नहीं चाहिए मेरे को। राजू जी 4 दिन हो गए कार को, 1 दिन का भी काम नहीं था, आपने 4 दिन अपने पास रख लिया, कब तक रखेंगे? अगले साल देंगे या अगले महीने देंगे कार? अजय और शिवा तुम्हारी वजह से मेरे को रोड़ा जी से डांट पड़ गई, पता है आपको? अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो आगे क्या करूंगा मैं? सर सॉरी सर, बट कार ठीक करके दे देंगे। राजू जी मेरे को शाम तक कार चाहिए आज किसी भी हाल में।
ठीक है सर, मिलेगी, आप जाइए, आपके घर कार पहुंच जाएगी, मेरे को शाम को अपने आप पहुंचा दो। ठीक है सर, आप जाइए। चलिए ओके, यहाँ पे गैराज आ गया। ओके बाय। पहले तेरी वजह से हमें पता है कितनी सुनने को मिली है। तू वहां एक चला लगा उसके साथ। मेरी लाइफ में मैं कैसे भेजूं? तुम्हें उसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? तेरी वजह से ना हमें मालिक से सुननी पड़ रही है। और उस लड़की का चक्कर छोड़ दे, तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो उस दो कौड़ी की लड़की के चक्कर में हमसे दुश्मनी मोल लेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, तुम दो कौड़ी की लड़की नहीं है, मेरी फ्रेंड है। जा, सही तमाशा मारा तूने अपने दोस्ती पे, देख लेंगे तुझे भी। चलो ए। हेलो। हेलो निहारिका, यार मेरा मूड बहुत ऑफ है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। घर पे ना? ओके कोई बात नहीं, मैं घर में ही हूँ, आ जाओ। हाँ मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। ओके ओके ठीक है। बताइए क्या बात है। हमें अभिषेक को लेकर आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी बताइए क्या बात है। मैम आप ना अभिषेक की जिंदगी से निकल जाओ, क्योंकि जब से आप उसकी जिंदगी में आई है ना, सारा गैराज का काम हमारे ऊपर आ गया है और मालिक से हमें भी सुनने को मिलती है और उसका भी काम में मन नहीं लगता। बेहतर यही होगा आप एक दूसरे को भूल जाओ। देखो मेरी मर्जी है, मैं उससे बात करूं या ना करूं, इसमें मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। देखो मैम हम आपको समझाने आए थे, अगर आप समझ जाओगे इसी में आप दोनों की भलाई है, वरना हमें दूसरे तरीके से समझाना। आशा करता हूँ आप समझ। चलो ये क्या हुआ तुम्हें? आपके दोस्तों ने मेरे साथ बदतमीजी की। अजय आया था यहाँ पर? चलो मेरे साथ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, दोस्त हमारा है। साले तुमने अपनी कमीनी पंथी दिखाई थी ना, दिखाई थी ना। तूने इस लड़की के चक्कर में आज मेरे पे हाथ उठाया है, बहुत महंगा पड़ेगा तेरे को। उस टाइम तू बहुत हीरो बन रहा था ना, अब बन के दिखा। ए, आवड़े। अब बना जो इनके जोर पे फूल रहा है, ये पता कौन से कौन है? एक मारो चार खुद में खुद उड़ते हैं। ये लेके आया था तू, ये तो ऐसे ढेर हो गए।
तेरी बारी। पहले तो मैं सही। छनिया तू, तेरी वजह से हम तीन दोस्तों में लड़ाई हो रही है, फिर जो तुम्हें सबसे पहले मारो। अजय अजय, लड़ाई तेरी मेरी है, निहारिका को छोड़ दे। पता है मुझे ये लड़ाई तेरी और सिर्फ मेरी है, लेकिन करवाई तो उस लड़की ने है ना, उसे तुम्हें सबसे पहले मारूंगा। अभिषेक क्या हो गया? अभिषेक क्या जल्दी को नहीं तो मार दो अपने दोस्त को मार के। भाई भाई ये मैंने क्या कर दिया? मैं सिखाया भाई क्या सुन गई यार, अपने मार दिया अपने दोस्त को। कर दिया हमने अपने जिद में अपने दोस्त को ही मार दिया। भाई 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 सॉरी यार, जा भी जाने जान दूंगा भाई ना। मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही।